नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। शुरू हो गया मेरे साथ अकेडमी यूपीएससी हिंदी पर, जहां बात करने वाले हैं दोस्त आपके साथ जो मिला है अभी मिला है भौतिकी का इस साल का नोबल पुरस्कार। जी हाँ, घोषणा की गई भौतिकी के नोबल पुरस्कार की। मैंने कहा चर्चा की जाए फटाफट आके आपके साथ, क्योंकि उसके बाद शामिल हो समय नहीं रहेगा। मैंने कहा तुरंत बात की जाए आपके साथ, भौतिकी का नोबल पुरस्कार किस मुद्दे पर मिला है दोस्तों, बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले जरूरी बात, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? पहुंच गई है मेरी आवाज़, मैं जानता हूं अब तक मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है दोस्तों। फटाफट आ जाइए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए दोस्तों। शुरू करने वाले हम लोग एक अमेजिंग सेशन आपके साथ कि किससे मिला है भौतिकी का पुरस्कार। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन नाम जिन्हें दिया गया है इस साल का भौतिकी का नोबल पुरस्कार। चर्चा करेंगे तीनों नामों के बारे में, कौन है ये लोग, क्या योगदान है इनका। चलिए सर, चलिए बात करते हैं दोस्तों हम लोग इनके बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं बहुत इस अक्टूबर का जो सेकंड वीक होता है नॉन फॉर दिया, 5 से लेकर जो 11-12 अक्टूबर का समय होता है, घोषित होते हैं नोबल पुरस्कार और मिलते हैं दिसंबर 10 को, आप सभी जानते हैं। तो घोषणा की गई यहाँ पर, कल हमने आज सुबह हमने बात की थी मेडिसिन का नोबल पुरस्कार जो दिया गया है किसे, हमने हम जानते हैं, हमने बात की थी सुबह, जो मिला है आपके रिसर्च ऑन हेपेटाइटिस सी के लिए। उसी प्रकार से ये मिला है दोस्तों आपको यहाँ पर, रिसर्च मिली है कॉस्मिक वेव्स के लिए और दोस्तों ये मिला है नोबल पुरस्कार आपका ब्लैक होल के स्टडी के लिए और ब्लैक होल जो हमारी गैलेक्सी के अंदर है उसके स्टडी के लिए दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे आपके साथ हम लोग यहाँ पर। ओके, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले, जैसे आप जानते हैं दोस्तों हमारे कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी यूट्यूब पर, आप मुझे देख रहे हैं इस समय अनअकैडमी हमारा जो चैनल है अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी, जहां मुझे देख रहे हैं इस समय आप। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप है हमारी, जहां पर आप जाके स्पेशल क्लासेस कर सकते हैं। और तीसरा सेशन जो हमारा है वो है दोस्तों क्विज का सेशन, जो आप अटेंड कर सकते हैं एवरी ट्यूजडे, जहां क्विज आज आप देख रहे होंगे स्पेशल रहा होगा, क्विज क्लासेस चल रही हैं आपकी। इसके अलावा दोस्तों जुड़ सकते हैं मेरे संग प्लस कोर्सेज में। प्लस कोर्स पर जुड़ने के लिए आप जानते हैं क्या करना है, प्लस कोर्स जुड़ने के लिए आपको प्लस कोर्स पर जुड़ने के लिए आशीर्वाद के साथ आना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, प्लस सब्सक्राइब करना है हमारा वहां पर, और क्या करना है सर, आशीर्वाद 10 रेफरल कोड का प्रयोग करना है दोस्तों। मैं आऊंगा उसके बारे में चर्चा करूंगा डिटेल में, पहले बांधते हैं टॉपिक के बारे में दोस्तों। अपना टॉपिक है यहां पर, तीन लोगों को मिला है इस बार का फिजिक्स का नोबल प्राइज दोस्तों। नाम देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, एक बार नाम देखते हैं आपके संग कौन कौन है। यहां पर ये रॉजर पेनरोज की बात करेंगे, रॉजर पेनरोज जो इस बार तीन लोगों को मिला है उसमें से आधा प्राइज नोबल प्राइज जाएगा रॉजर पेनरोज को जाएगा आधा प्राइज, और आधा कंबाइंड रूप से मिलेगा यहाँ पर दो लोगों को, आर गेंजेल और एंड्रेना गेस को, दोनों ने रिसर्च कंबाइंड रिसर्च की है तो इसलिए आधा प्राइज इनको दिया जाएगा और आधा प्राइज मिलेगा यहाँ पर रॉजर पेनरोज को। बात करेंगे दोस्तों कौन है ये लोग और क्या इनका योगदान है फिजिक्स में, बात करेंगे सभी से दोस्तों। गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग, आ जाइए फटाफट लाइक शेयर का बटन दबा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ दोस्तों। क्या हुआ है फिजिक्स का नोबल प्राइज घोषणा की किसने सर, किसने घोषणा, कौन करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। जी हाँ, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने घोषणा की है फिजिक्स के नोबल प्राइज की। ये है बड़ी ब्रेकिंग इस समय, अभी जस्ट 30 मिनट पहले ही बात कर रहे थे हम लोग, चर्चा हुई है, इसकी घोषणा की गई है आज तारीख 6 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार दिन के 3:30 पर, 3:30 घोषणा की गई है इसकी आज भारतीय समय अनुसार की बात कर रहा हूँ। तो घोषणा की गई, नोबल प्राइज मिलेगा किसे सर, आधा प्राइज वन हाफ किसे मिलेगा सर, रोज पेनरोज को मिलेगा। कौन है, बात करेंगे इनके बारे में, इनका योगदान क्या है, इन्हें ब्लैक होल फॉर्मूला दिया, ब्लैक होल कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा उन्होंने बताया यहाँ पर, और इन्होंने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टीन की उसके आधार पर ब्लैक होल की खोज की, ब्लैक होल का वर्णन दिया। वहीं आधा प्राइज मिलेगा किसे सर, आधा प्राइज मिलेगा रेनार्ड गेंजेल और एंड्रेना गेस को। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो गैलेक्सी है उसमें एक ब्लैक होल का पता लगाया है, उसका उन्होंने एक चित्रण दिया है इन दोनों ने मिलकर। तो काफ़ी बड़ी स्टडी है अपने आप में, सुपर मैसिव स्ट्रक्चर की बात होगी। मैं आऊँ आखिर क्यों दिया गया पुरस्कार, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, कौन दे रहा है, क्लियर है आपको, आधा प्राइज मिल गया यहाँ पर। पहले बात करें रॉजर पेनरोज की सर, रॉजर पेनरोज आइए दोस्तों, रॉजर पेनरोज 1931 में जन्म हुआ था इनका, कहाँ के हैं सर ये ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था सर, कॉलेस्टर ब्रिटेन में जन्म हुआ था, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ये पीएचडी की इन्होंने वहाँ से, और राइट नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सफोर्ड में प्रोफेसर हैं। तो इस समय ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सफोर्ड में, जहाँ इन्होंने अध्ययन किया ब्लैक होल का, बताया ब्लैक होल के बारे में, कुछ चर्चा की करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा
दूसरा जो हमारा अध्ययन है उसमें दो लोग शामिल हैं, रिचर्ड गैंजेल, इनका जन्म हुआ था 1952 में। कहाँ हुआ था जन्म सर? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी के ये नागरिक हैं। अभी ये कहाँ पर हैं सर? अभी ये प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं रेनेट गैंजेल। दूसरा नाम आता है दोस्तों, लेडी हैं जो एंड्रा गेस, जन्म 1965 में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? न्यूयॉर्क शहर में इनका जन्म हुआ था। और राइट नाउ कहाँ पर हैं सर? ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये कार्यरत हैं, प्रोफेसर हैं ये। तो तीन लोगों को मिला है दोस्तों अवार्ड, एक ब्रिटेन के हैं, दो एक जर्मनी के, और एक का जन्म हुआ था अमेरिका के अंदर। आइए रहा तीनों का वर्क फील्ड देख लें, क्या क्या काम किया है दोस्तों। दोस्तों एक चर्चा हुई थी लास्ट ईयर, काफ़ी लास्ट बहुत सुर्खियों में था, एक फोटो, एक चित्र जो खींचा गया था ब्लैक होल का, आपको याद हो तस्वीर, अगर ये इस तस्वीर को आप देख पा रहे हैं मेरे साथ, पहचान पा रहे हैं, ये तस्वीर बताई गई थी ब्लैक होल की तस्वीर है। तभी ये सुगबुगाहट चालू हो गई थी कि ब्लैक होल जनरल रिलेटिव थ्योरी जो है, रिलेटिविटी की है, सापेक्षता का सिद्धांत जो है उसको फॉलो करता है, जो आइंस्टीन ने दिया था। और उसके ठीक 100 साल बाद आइंस्टीन को नोबेल मिला था 1921 में दोस्तों, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। आज लगभग 100 साल बाद उसी सिद्धांत को प्रमाणित करते हो बिना ब्लैक होल, उसके लिए अवार्ड मिल रहा है। रोजर पेनरोज को बात करेंगे उनके साथ दोस्तों, हम लोग चर्चा होगी उन पर भी आपके साथ, ठीक है सर। अब सुनिएगा क्या कहा इन्होंने, सुनाम सुनिएगा क्या कहा, रोजर पेनरोज का कहना क्या है सुनिए आराम से दोस्तों। इन्होंने क्या बताया, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत है, इससे ब्लैक होल बनता है, ये इन्होंने कहा था दोस्तों। तो ब्लैक होल का निर्माण जो होता है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मैच करता है, सापेक्षता के सिद्धांत से मैच करता है। हालांकि खुद आइंस्टीन की बात मैं करूँ, खुद आइंस्टीन मानते थे कि ब्लैक होल ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लैक होल के बारे में उनका बहुत क्लियर व्यू नहीं था कि ब्लैक होल होते हैं या नहीं होते हैं, बनते हैं या नहीं बनते हैं। लेकिन इन वैज्ञानिक ने, रोजर पेनरोज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने इसी थ्योरी का प्रयोग करके आइंस्टीन के मरने के लगभग 10 साल बाद प्रूव करके दिखाया, जी हाँ ये जो थ्योरी है इससे बनते हैं ब्लैक होल, इसी सिद्धांत के तहत ब्लैक होल का स्टडी किया सकता है। आइए लौट के आते हैं रहा, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, आइए इनकी बात पूरी करते हैं आपके साथ। तो क्या कहा पेनरोज ने सुनिएगा, इन्होंने कहा कि ब्लैक होल जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, यानी कि आइंस्टीन की थ्योरी के आधार पर इन्होंने ब्लैक होल का वर्णन दिया। याद रखिएगा आइंस्टीन खुद विश्वास नहीं करते थे ब्लैक होल के बारे में कि होते भी हैं या नहीं होते हैं, लेकिन इसके बारे में इन्हीं की थ्योरी के आधार पर बात की गई यहाँ पर दोस्तों। इन्होंने कहा था कि इसी थ्योरी के आधार पर कि हाँ ब्लैक होल्स होते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों ठीक है, कोई बफरिंग नहीं है, ठीक चल रहा है हमारे बीच सर, ठीक चल रहा है सब कुछ हमारे बीच, जी हाँ सब कुछ ठीक है सर, नो बफरिंग, कोई इशू नहीं है दोस्तों, सुन लीजिए आराम से। तो यहाँ पर आइंस्टीन खुद बिलीव नहीं करते थे ब्लैक होल की थ्योरी पर, लेकिन उन्हीं की थ्योरी के आधार पर निकाल कर रोजर पेनरोज ने कहा कि ब्लैक होल होते हैं, और ब्लैक होल सीधा परिणाम है इस थ्योरी का। सोचिएगा आइंस्टीन के मरने के अलावा 10 सालों बाद की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद ब्लैक होल को पाया गया और थ्योरी ये दी गई इसी सिद्धांत के आधार पर दोस्तों। याद रखिएगा खास बात है, आज ब्लैक होल पर रिसर्च हो रही है, ब्लैक होल के फोटो सामने आ गए हैं, जो आइंस्टीन ने कहा था कि वहाँ से कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ से प्रकाश ही बाहर नहीं निकल पाता, उसको हम देखते हैं यहाँ पर, उसी थ्योरी को आगे बढ़ाया पेनरोज ने। और यहाँ पर एक बहुत खास बात, सबसे खास बात सुनिए दोस्तों, जो चर्चा रहेगी आपके साथ, ब्लैक होल की तस्वीर आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तस्वीर के अंदर आप फाइंड आउट करेंगे कि प्रकाश भी सर्कुलर हो गया है, प्रकाश भी मुड़ गया, इवेंट होराइजन बोलते हैं दोस्तों इस थ्योरी को हम लोग, इवेंट होराइजन है ये इवेंट होराइजन है, इसे हम कहते हैं गोलाकार आकृति को इवेंट होराइजन। तो इवेंट होराइजन जो है सर ये क्यों बनता है, क्योंकि प्रकाश भी मुड़ जाता है, जो प्रकाश सीधा आ रहा था इसके पीछे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है कोई सूर्य है इसके पीछे मान लीजिए, वहाँ से प्रकाश सीधा मेरी आंखों में आ रहा था, लेकिन हुआ क्या, बीच में ब्लैक होल आ गया तो प्रकाश भी क्या हुआ सराउंडिंग से मुड़ गया और गोलाकार आकृति दिख रही है। मान लीजिए प्रकाश का सोर्स था ये,
ये मैं ऑब्जर्वर खड़ा हूँ यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश सीधा आना चाहिए था मेरे पास, लेकिन सडनली जब ब्लैक होल बीच में आया तो प्रकाश मुड़ गया इस प्रकार से यहाँ पर। इसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी, या सिंपल भाषा में इवेंट होराइजन पर प्रकाश का मुड़ना। ज़्यादा डीप में नहीं जाना हमको, हमारे काम का यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काम का क्या है सर, इवेंट होराइजन जुड़ा किसके साथ है शब्द, ये जुड़ा है ब्लैक होल के साथ। सिंगुलैरिटी किससे जुड़ा हुआ शब्द है सर, ब्लैक होल से जुड़ा हुआ शब्द है सर ये। इसके अलावा जर्नल रिलेटिव थ्योरी, इससे प्रूव किया ब्लैक होल के बारे में, तो निश्चित तौर पर जो ब्लैक होल की फोटो खींची गई थी लास्ट ईयर उसी को आधार बनाते हुए, क्योंकि रिसर्च को मौका मिला यार आज फोटो खींच गई ब्लैक होल की, सामने आ गई बातें यहाँ पर, इसी को आधार बनाया हमारे वैज्ञानिकों की टीम ने यहाँ पर, और बढ़ावा मिला है इसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे हैं थोड़ा सा आपके साथ, ये तो रिसर्च हुई इनकी पेनरोज की, आगे आते हैं थोड़ा सा आपके साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर। रिचर्ड गैंजेल और गैज ने क्या किया वो सुन लेते हैं, इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने क्या किया दोस्तों, हमारी जो मिल्की वे है उस मिल्की वे में कोई ब्लैक होल है क्या, हमारी आकाशगंगा में कोई ब्लैक होल है क्या, इसका स्टडी किया उन्होंने और पाया कि जी हाँ हमारी आकाशगंगा में एक ब्लैक होल है, और एग्जैक्ट लोकेशन बताई उन्होंने उसकी। और बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हमारी जो आकाशगंगा है इसमें एक इलाका है सिस्टेरियस ए स्टार, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, सिस्टेरियस ए स्टार नाम का जो इलाका है हमारे यहाँ पर ये सेंटर में है हमारी गैलेक्सी के, और यहाँ एक ब्लैक होल है। उन्होंने कहा कि ये ब्लैक होल है बहुत बड़े स्केल पर, उन्होंने कहा कि ये जो इलाका है बहुत ज़्यादा बड़ा स्टार था अपने आप में जो ख़त्म हो गया और ब्लैक होल बन गया दोस्तों सिस्टेरियस ए स्टार नाम का। अगर मैं आपको थोड़ा ले चलूँ यहाँ पर, याद रखिएगा हम चर्चा कर रहे हैं ब्लैक होल की यहाँ पर दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारी गैलेक्सी हमारी मिल्की वे जो है सर, इसके सेंटर में ना सेजिटेरियस ए स्टार नाम की एक बॉडी है जो ब्लैक होल है बेसिकली। हमसे कितनी दूर है ये, हमारा सोलर सिस्टम है यहाँ पर अभी, हमसे कितनी दूर है ये, 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। जी हाँ, ये जो सेजिटेरियस ए स्टार है ये ब्लैक होल है और हमारी गैलेक्सी के बीच में है, सेंटर में है, और हमारी गैलेक्सी से हम कितना कहाँ पर हैं, हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पर है, हमारा सूर्य कहाँ पर है, हमारा सूर्य लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है केंद्र से, याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं हमें स्क्रीन पर, ये आपको दिख रही है अपनी गैलेक्सी है लगभग यहाँ पर, ये लगभग 1,00,000 साल लगेगा पार करने में पूरा, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको 1,00,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे पार करने में इसको। इसके केंद्र में है लगभग यहाँ पर सेजिटेरियस ए स्टार नाम का ब्लैक होल, जो बताना था इन लोगों को, उन्होंने बताया कि ब्लैक होल है दोस्तों, और बाद में ब्लैक होल के फोटो खींचे गए, फोटो तो नहीं खींच सकते लेकिन ब्लैक होल के बारे में अध्ययन किया गया, और अध्ययन को करने में नासा का बड़ा रोल योगदान रहा है दोस्तों यहाँ पर, सुन लीजिए चर्चा का विषय रहेगा इसके बारे में ये। ठीक है सर, ओके मेरी बात पहुंच रही है सर आपके साथ, ये शब्द बहुत काम के हैं, सब पूछ सकता है, देखिए आने वाले सालों में, इस साल नहीं तो अगले साल जरूर पूछेगा आपसे सवाल ये, क्योंकि इस प्रकार की थ्योरी पे सवाल यूपीएससी पूछता रहा है पहले भी। जो वर्ड बताया मैंने आपको, इवेंट सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन, शब्द बहुत काम के हैं दोनों आपके ये। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, बाद में इसका फोटो खींचा गया, और नासा ने जो फोटो खींचा इसका बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नासा ने सेंटर का जो फोटो खींचा है अपनी, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ऐतिहासिक तस्वीर है काफ़ी अपने आप में ये, नासा तस्वीर मालूम किसकी सहायता से खींची है, कौन सा टेलीस्कोप है उसके पास के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बता दूं नाम आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा सुनकर, चंद्रा एक्सरे। जी हाँ, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट चंद्रा शेखर के नाम पर जो नासा ने अपने टेलीस्कोप का नाम रखा है चंद्रा, उसके द्वारा खींचा गया फोटो है, चंद्रा एक्स के द्वारा खींचा गया फोटो है ये, बिल्कुल हमारे गैलेक्सी के सेजिटेरियस ए स्टार का। उन्होंने कहा आप देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल भी तस्वीर दिखाई दे रही है आपको गोलाकार रूप से, तो ये एक बिल्कुल शाइनिंग स्टार है बीच का हमारे यहाँ पर सेजिटेरियस ए, जो कि ब्लैक होल है हमारे यहाँ पर। देखिएगा लिखा क्या है, पढ़ लीजिए, द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी विद अ सुपर मैसिव ब्लैक होल नोन एज सेजिटेरियस ए स्टार, शॉर्ट में कहते हैं सर SGR A स्टार या एसजीआरटिक, क्या कहते हैं सर, सुपर मैसिव ब्लैक होल है ये, बहुत बड़ा ब्लैक होल है सर, कहाँ पर, ये हमारी मिल्की वे के मिडिल में है। ठीक है सर, इसका उद्घाटन किसने बताया ये, इस टेलीस्कोप से मित्रों ने बताया दोस्तों, टेलीस्कोप का नाम क्या है सर, नासा का चंद्रा एक्सरे, जो भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर के नाम पर रखा है नासा ने, उसके द्वारा मिले चित्र, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एसजीआर ए स्टार के आसपास जो मटेरियल है वो बता रहा है कि जनाब ये बीच में ब्लैक होल है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, नासा ने फोटो खींचा कुछ साल पहले, और इसके लिए बेसिक थ्योरी किसने दी थी, थ्योरी दी थी दोनों साइंटिस्टों ने, याद रखिएगा। पिछले साल में, दो साल में दो फोटोज आए हैं, एक फोटो ये आया था जिसने हमारी गैलेक्सी के सेंटर का फोटो खींचा था, और एक फोटो बताया मैंने आपको ब्लैक होल का आया था, इसने ब्लैक होल का पहले फोटो खींचा था। इन दोनों इवेंट को मिला दीजिए तो इस साल का नोबेल पुरस्कार मिला है, फोटो तो अभी आए हैं
लेकिन थ्योरी किसने दी थी कुछ साल पहले, पेनरोज ने और उन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर यहाँ पर। तो ये दो फोटो जो भी याद में हाल में आए हैं, इनका बेसिक स्टफ कहाँ था, इनका बेसिक सिद्धांत कहाँ था, इनका बेसिक सिद्धांत था सर कुछ साल पहले हमारे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए दिया गया है, पेनरोज ने रिसर्च की, इन्होंने थ्योरी दी, इस पर फोटो खींचा गया लास्ट ईयर ब्लैक होल का। और दो वैज्ञानिक जो आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन दोनों का नाम, दोनों का नाम देख लीजिए एक बार, रेनार्ड गेंजल और गेज, इन्होंने थ्योरी दी, क्या दी इन्होंने मालूम है, इन्होंने कहा कि हमारे जो गैलेक्सी उसके बीच में एक ब्लैक होल है, सेजिटेरियस ए स्टार का उन्होंने अध्ययन किया और अब नासा ने इसका फोटो भी खींच के दे दिया आपको। जी हाँ, इसीलिए इनकी थ्योरी के आधार पर, क्योंकि अब ये कह रही है सोसाइटी, सुन लीजिए यहाँ पर सोसाइटी कहना क्या है, जो रॉयल सोसाइटी बता दूंगी आपको यहाँ पर, चलिए मैं आता हूँ इस लाइन पर आपके साथ, क्या कहा नॉर्वे की स्वीडन सोसाइटी, लास्ट में सुन लीजिए, दिस एग्जॉटिक ऑब्जेक्ट स्टिल पोज मैनी क्वेश्चन दैट बैक फॉर आंसर एंड द मोटिवेट फ्यूचर रिसर्च। अच्छी बात यह है कि इन तीनों ने जो रिसर्च की है, मतलब एक रिसर्च और बाकी दो रिसर्च दो लोगों ने की यहाँ पर मिलकर की रिसर्च, और एक रिसर्च उन्होंने की, इन तीनों ने जो रिसर्च की है इससे भविष्य में और संभावनाएं खुलती हैं यहाँ पर, और संभावनाएं बनेंगी और भविष्य में और रिसर्च होगी इन मुद्दों पर दोस्तों। अच्छी बात है, और रिसर्च हो भी रही है, अब फोटो खींचे जा रहे हैं यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर ये ब्रोकन न्यू ग्राउंड इन द स्टडी ऑफ द कॉम्पैक्ट एंड सुपर मेसिव ऑब्जेक्ट। तो ब्रह्मांड में जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर हैं उनके अध्ययन को बढ़ावा दे रहा है ये बेसिक रिसर्च, ये कहना है हमारी नोबल समिति का, नोबल कमेटी का। और नोबल कमेटी का मतलब सर मैं कह रहा हूँ, मतलब नोबल कमेटी का मतलब क्या है दोस्तों, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। जी हाँ, ये एकेडमी हमारी, इसने अवार्ड दिया है, नोबल पुरस्कार घोषणा की है फिजिक्स के लिए दोस्तों। उम्मीद करो मेरी बात आप तक पहुँच गई है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो मेडिसिन वाला कल मिला था 5 अक्टूबर को हम बात कर रहे हैं, 6 अक्टूबर को दिया गया ये पुरस्कार फिजिक्स का दोस्तों। अब कल मिलेगा केमिस्ट्री का, देन आफ्टर टुमारो साहित्य का, फिर शांति का, फिर इकोनॉमी की बात भी करेंगे, उस पर भी आएगा, हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी की बात करेंगे। तो अभी केमिस्ट्री का, लिटरेचर का चर्चा होगी, पीस नोबेल प्राइज की ट्रंप साहब उम्मीदवार हैं इस बार, ट्रंप साहब उम्मीदवार, उनको लग रहा है कि मुझे मिल जाएगा, ट्रंप साहब ने इतनी बड़ी डील कराई है इसराइल और यूएई के बीच, उनको लगता है कि उनको मिलना चाहिए पुरस्कार, ये उन्होंने 2 अरब देशों का डील करा दिया इसराइल के साथ, तो उन लगता है उनको मिलना चाहिए पुरस्कार, ये देखते हैं मिलता है कि नहीं यार ट्रंप साहब को चुनाव के साल में। लेकिन पॉइंट बात है यहाँ पर कि उसकी घोषणा होगी 10 तारीख को दोस्तों, तो याद रखिएगा अभी पूरा हफ्ता चलता रहेगा, ये डेली स्पेशल क्लास होती रहेगी इस पर आपके साथ। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई सर। अच्छा, एक दो चीज़ बता दूँ मैं आपको इसके बारे में, क्वेश्चन बन सकता है इस पर आपके साथ, कुछ तस्वीर दिखा दूँ मैं यहाँ पर, जो तस्वीर जारी की गई हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा गैलेक्सी है स्पायरल वेव में, और ये बीच का जो ब्लैक होल है दोस्तों, ये बीच का जो ब्लैक होल आपको दिख रहा है ये है SGR A स्टार या सेजिटेरियस ए स्टार दोस्तों, ठीक है। हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर करीब हैं, तो 26,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं हम लोग अपनी गैलेक्सी के सेंटर से। चलिए दोस्तों, कोई समस्या नहीं हमारे पास यहाँ पर, इसमें कोई समस्या नहीं हमको यहाँ पर। इसके अलावा बता दी सारी बातें मैंने आपको, चंद्रा का नाम हो गया। अच्छा, वो शब्द दिखा दूँ मैं, शब्द बता दूँ आपको, जो नोट करा दूँ, वो शब्द क्या क्या हैं जो आपने अभी देखे मेरे साथ, वो शब्द जान लीजिए, बहुत काम आएंगे, इन पर डिस्कस हम लोग करते रहेंगे साइंस की क्लास में अपनी। तो एक बार शब्द देख लीजिए क्या क्या होते हैं, वो क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लैक होल की हम बात करते हैं, ब्लैक होल में शब्द आपके काम के क्या क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं सर। एक होता है सर इवेंट होराइजन, एक शब्द होता है आपका सर इवेंट होराइजन, इसको याद रखेंगे। ये क्या होता है सर, ब्लैक होल होता है कोई भी, अगर ब्लैक होल कोई भी होता है उसका जो बाउंड्री स्पेस होता है उस हम इवेंट होराइजन बोल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है सर। एक शब्द ने दिया आपको सिंगुलैरिटी का, ये थोड़ा पहचान लीजिएगा शब्द यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर टाइम खत्म हो जाता है, यहाँ बिल्कुल समय का पता नहीं चलता, जहाँ भूत भविष्यकाल मिल जाते हैं इस जगह पर आकर। इंपॉर्टेंट बात कभी और चर्चा करूँगा इस पर, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आप देखिए ब्लैक होल की बात करें, सिंगुलैरिटी की बात करें, इवेंट होराइजन की बात करें, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर इवेंट होराइजन। चलिए, तो ये थोड़े शब्द ध्यान रखेंगे, काम की चर्चा है इस पर। इसके अलावा कुछ और जानकारी होना चाहिए आपको सर, ये बता दिया मैंने आपको, डायग्राम दिखा दिया आपको मैंने ऑलरेडी, ठीक है सर। और क्या है आज के नोबेल पुरस्कार में, इसके अलावा एक और हमने दिखाया यहाँ पर आपको, जो हमने अध्ययन किया अपनी मिल्की वे का, सेजिटेरियस ए स्टार का, उसको अध्ययन करने में 14 साल लग गए हमको यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ याद नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी काम आ सकती है, जब कोई स्टार मिल्की वे के या ब्लैक होल के पास आता है उसकी रेडियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी सक्रियता बढ़ जाती है, जैसे वो दूर जाता है उसकी गति धीमी पड़ जाती है। हमने ब्लैक होल तो हमें देखा नहीं, हमने उस वहाँ पर जो सेंटर में एक सूर्य था, एक स्टार घूम रहा था वहाँ पर, उसका 14 साल तक अध्ययन किया उसकी ऑर्बिट का हमने, तो हमने पाया जब वो दूर था
तो उसकी गति धीमी थी धीमी थी धीमी थी। ऐसे पास आया वो, उसकी गति बढ़ने लगी। हम बात करें अगर वो मान लीजिए ब्लैक होल ये है मेरे हाथ में, तो जब वो दूर था तो उसकी गति बहुत धीमे धीमे घूम रही थी, लेकिन जैसे उसके पास आया ना उसी गति तेज़ हो गई, फिर धीमे धीमे घूमने लगा वो, और जैसे पास आया फिर तेज़ हो गया यहाँ पर वो। यानी कि बीच में ऐसा कुछ है जो उसकी ग्रेविटी को इम्पैक्टफुल कर रहा है, इम्पैक्ट बढ़ा रहा है, और वही हम देखते हैं यहाँ पर। हमने ये एक्स पॉइंट आपको दिख रहा है स्क्रीन में दोस्तों, ये एक्स पॉइंट आपको जो दिख रहा है ये सेजिटेरियस ए स्टार है, और उसके आसपास एक S2 नाम का सन, S2 नाम का स्टार मूव कर रहा है। उसकी ऑर्बिट देख रहे हैं आप, क्लॉकवाइज ऑर्बिट है इसकी, घूम रहा है ये। हमने यहाँ देखा, थोड़ा देखते हैं आपके साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम दिखाया उन्होंने यहाँ पर। ये है सेजिटेरियस स्टार, ठीक है, ये है अपना ब्लैक होल। जब इसका सन इसके पास आया और जब फिर से दूर गया वो, तो जब उसके इसके जब पास आ रहा तो उसकी गति बढ़ती जा रही थी, ठीक है सर, और जब उसके पास था तो गति अधिकतम थी, दूर गया गति कम होती गई, फिर बढ़ने लगी गति, जब इसके पास आया पीक पर आ गया, फिर दूर गया फिर कम हो गई गति इसकी। यानी कहीं ना कहीं इसके पास आता है तो गति इसकी बहुत पीक पर आ जाती है, इससे दूर निकलता है तो गति कम होती जाती है। यानी कि रेडियल वेलोसिटी की बात करें तो रेडियल वेलोसिटी ब्लैक होल के पास अधिकतम होती है। इसको थोड़ा कहीं भी लिख लीजिए शब्द को, आप लोग इस साइंस के शब्द को लिख लीजिए, रेडियल वेलोसिटी ऑफ अ स्टार अराउंड द देयर ब्लैक होल। किसी भी तारे की रेडियल वेलोसिटी जो होती है वो अपने ब्लैक होल के पास सबसे अधिक होती है, और ब्लैक होल से दूर जाने पर वो कम होती जाती है। बस तक काम कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, काम आसान हो जाएगा इसके बाद आपका। यहाँ पर इसे प्रूव करने में 14 साल लग गए वैज्ञानिकों को, 14 साल का पूरा अध्ययन है। आप सोच सकते हैं 2005 से उन्होंने स्टडी स्टार्ट किया, 2005 से, और 2020 में आके पूरा हुआ स्टडी उनका ये, तो काफ़ी समय लग गया, 14 साल पूरे लग गए इनको पूरा करने में, रिसर्च करने में। लेकिन ये फाइंडिंग है इनकी कि स्टार की रेडियल वेलोसिटी कब कहाँ कम हो जाती है, जैसे ब्लैक होल के पास आता है वो बढ़ जाती है, और दूर जाने पर वो कम होती जाती है। ये वैज्ञानिकों का कहना है दोस्तों। यहाँ पर मुश्किल बात नहीं है, आप याद करना करें, इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमारे बारे में हमको। S2 ऑब्जेक्ट क्या है, पूछ सकता है S2 ऑब्जेक्ट क्या है, तो S2 क्या है सर, एक सूर्य का नाम है हमारे, एक स्टार का नाम है जो घूम रहा है हमारी हमारी गैलेक्सी के अंदर। सेजिटेरियस ए स्टार क्या है सर, ब्लैक होल का नाम है जो हमारी ऑर्बिट के हमारे इस गैलेक्सी के मध्य में है। चलिए, इतनी जानकारी काफ़ी रहेगी दोस्तों इस नोबेल प्राइज के बारे में, ठीक है सर। चलिए, तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों इस साल के फिजिक्स के पुरस्कार के बारे में, इनका जानकारी दे दूंगा आपको, फिर हम बात करते रहेंगे बाकी टॉपिक्स पर आपके साथ। तो अभी के लिए दीजिए मुझे आज्ञा, याद रखिएगा आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ कहाँ सर, प्लस कोर्सेज में, बताया मैंने आपको यहाँ प्लस कोर्सेज की बात दोस्तों, आप सुन लीजिए यहाँ पर प्लस कोर्सेज की बात मैं कर दूँ आपके साथ, चर्चा होती रहती है हमारे बारे में यहाँ पर। प्लस कोर्स जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं सर आप लोग, आशीर्वाद 10 रेफरल कोड का यूज़ करेंगे दोस्तों, जुड़ेंगे मेरे साथ आप प्लस कोर्स में, हमारे यहाँ पर जुड़ेंगे प्लस कोर्स में। बाकी आज याद रखिए, आज रात 9 बजे होगी आपके साथ करंट अफेयर्स की क्लास, आज रात 9 बजे होगी करंट अफेयर्स की क्लास आपकी, न्यूज़ एनालिसिस आज 9 बजे होगा दोस्तों, याद रखिएगा, मिस मत कीजिएगा इसको, रात 9 बजे होगा करंट अफेयर्स क्लास आपका आज। इसके अलावा दोस्तों और क्या याद करना है आपको, प्लस पर जुड़ने के लिए क्या करना है आपको मेरे साथ, प्लस पर जुड़ने के लिए सर अनअकैडमी आप डाउनलोड करनी है हमारी, इंस्टॉल करना है अनअकैडमी ऐप को। उसके बाद क्या करना है सर, प्लस कोर्स का चूज़ करना है, UPSC सेलेक्ट करना है, और सब्सक्राइब करना है हमारे कोर्स को दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद 12 महीने 24 महीने के कोर्स का ऑप्शन आएंगे आपके पास, आराम से आप कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट, EMI, इंस्टॉलेशन, सब सुविधाएं आपको मिलेंगी यहाँ पर सर। आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं आशीर्वाद 10 के जरिए, इसमें डिस्काउंट प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद 10 लिखेंगे पूरा विदाउट स्पेस, अप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट्स में सर। 1 ईयर का फीस है 44,000, डिस्काउंट के बाद मिलेगा आपको 39,600 का सर ये, और 2 साल का फीस है 64,000 जो मिलेगा आपको यहाँ पर 57,600 का। ऐसा हमको बताया गया अकेडमी की ओर से, ये फीस बढ़ने वाले हैं, तो आप लेना चाहें तो ले लीजिए जल्दी, फीस बढ़ सकते हैं, ऐसा हमको बताया गया कुछ दिनों पहले कि फीस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए अगर आप लेना चाहें जुड़ सकते हैं हमारे इन कोर्सेज के साथ, 1 ईयर 2 ईयर के कोर्सेज के साथ, यूज़ करेंगे आशीर्वाद 10, आप मुझसे बात करेंगे, सीधा हम बात करेंगे आपसे, चर्चा करेंगे, अपनी 1-to-1 डिस्कशन होगा, क्या करना है, कैसे करना है, रणनीति क्या हो, आगे भविष्य में तैयारी कैसे करनी है, चर्चा पूरी करूँगा दोस्तों मैं आप इस सेशन में आपके साथ। तो आइए रोकते हैं अपनी क्लास को, चर्चा करेंगे शाम में 9 बजे करंट अफेयर्स क्लास में, शाम में 9 बजे मिलेंगे करंट अफेयर्स क्लास, भूलिएगा नहीं, आज 9 बजे होगी अपनी क्लास, तब तक ले दीजिए आज्ञा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।